हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ बर्ड्स ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप फॉर बिगनर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए शीट हमारे पास है दोस्तों हमेशा की तरह कार्ट्रेज, और स्टार्टिंग करेंगे अपनी नॉर्मल HB पेंसिल के साथ। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमें किसी बर्ड ड्राइंग को शुरू करना है तो देखिए मेरा जो मानना है और जिस तरीके से मेरा जो तरीका है बर्ड को ड्रॉ करने का, तो वो ये है कि आप पहले उसका एक जो डिवीज़न आपको नज़र आ रहा हो, लाइक जैसे गर्दन वाला पार्ट है, गर्दन से ऊपर और गर्दन से नीचे, तो गर्दन से नीचे वाला जो पार्ट है आप उसको पेंसिल को थोड़ा पीछे से पकड़ के एंड रफली जो है जिस तरीके से यहाँ पर हम जो है सेटिंग जो है बर्ड बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो एरिया है वो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो शेप है वो एक लीफ शेप की तरह जो है आ चुकी है। एंड इसके बाद जो इसकी टेल होगी, उस टेल को आप जो है यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। एंड इस टेल को फिर आप इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये सारा जो काम हमारा बेसिक चल रहा है, ये सारा हम HB पेंसिल से दोस्तों ड्रॉ कर रहे हैं, और रफली जो अपना आइडिया है वो यहाँ पर लगा रहे हैं। जैसे ही अब ये विंग्स वाला एरिया है, पंखों का जो एरिया है वो भी हमने अलग से जो है मार्क कर लिया है। एंड इसके अंदर जो भी हमें डिटेल्स और बाकी सब चीज़ें ऐड करनी है वो हम स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। अब जो हमारा फेस यानी कि अब जो गर्दन वाला हिस्सा है, तो उसमें आपको ये देखना है दोस्तों कि गर्दन से जस्ट थोड़ा सा जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारी जो है बीक यानी कि चोंच शुरू हो जाती है, एंड देन जो ऊपर का फ्लैट एरिया है वो थोड़ा सा राउंडेड होता है। तो आप राउंडेड एरिया को दोस्तों थोड़ा सा कर्व करके भी बना सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए, लाइन फॉर्म के तरीके से मैं जो है अपनी शेप को अटैम्प्ट कर रहा हूँ, लाइक टेंजेंट वे में, कि आप लाइनों को आगे की तरफ एक्सटेंड करते रहें, देन उसको जहाँ से आपको क्रॉस कट करना है वहाँ से क्रॉस कट कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, कुछ मेरे दोस्तों को कर्व्स बनाने में प्रॉब्लम आती होगी, तो मैं समझता हूँ कि लाइन एक सबसे आसान तरीका है दुनिया में, जो कि आपको हर चीज़ को बनाने के लिए कैपेबल बनाता है। लाइक आप किसी भी चीज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन्स, बट अगर आप कर्व्स में उलझ जाते हैं तो कर्व शायद आपको परेशान करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम जो है एक आउटर गेटअप जो है बर्ड्स का बना रहे हैं। तो बर्ड का ये जो सिंपल गेटअप है वो तो यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें जो अब नीचे की तरफ जो पैर है वो बना के चीज़ें जो है यहाँ पर ख़त्म कर देनी है। तो मतलब जब भी आप एक बर्ड बना देंगे दोस्तों, बर्ड बनाना वैसे मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम आपके लिए नहीं होने वाला है। जैसे कि ह्यूमन फिगर्स भी हमने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखे हैं। छोटी सी बर्ड होती है, एक पेट है, देन उसके बाद सर है, तो दोनों चीज़ों को आप जो है अच्छे तरीके से अपने डिवाइड कर लें, देन उसके बाद चीज़ों को अटैम्प्ट करें। तो यहाँ पर हमने दोस्तों नीचे एक पेड़ की टहनी बना दी है। अब 10B पेंसिल का दोस्तों हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपनी बर्ड को जो है थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। और पेंसिल आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल ब्लंट है, तो ब्लंट पेंसिल को हम जो है जो डार्क एरियाज हैं हमारे बर्ड के, इंडियन स्पैरो है दोस्तों ये, तो जो भी डार्क एरियाज हैं उसको हम पहले यहाँ अटैम्प्ट करेंगे, लाइक आइज़ है और माथे के आसपास जो भी डार्क एरियाज हैं, जो स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, उन सब चीज़ों को दोस्तों अटैम्प्ट करेंगे। और डार्क चीज़ें अटैम्प्ट करते ही दोस्तों अपना जो बर्ड का एक गेटअप है वो आपका अच्छे तरीके से बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्यूपिल को हमने जो है डार्क कर दिया है और सराउंडिंग को लाइट कर दिया है, सो दैट प्यूपिल भी जो है अलग से नज़र आता रहे, एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम जो है यहाँ पर शेड करके बढ़िया तरीके से दोस्तों हाईलाइट कर देंगे। सो यहाँ आप देख दो, जो समझने वाली चीज़ है वो आप ये देखिए कि जो एक फुल्ली गेटअप हमने यहाँ बर्ड का दिया है वो ये सोच के दिया है कि भाई हमें जो भी चीज़ अटैम्प्ट करनी है उसको अपने नज़रिए से ना पहले देखना शुरू करिए। लाइक अगर आप एक दोस्तों किसी भी शेप को अपने घर में देखते हैं, पिलो को, बेड को, अपनी स्टडी टेबल को, तो हर एक चीज़ को दोस्तों पहले आपको शेप के अंदर जो है इमेजिन करना होगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा भी था कि कोई भी चीज़ दोस्तों आसान हो सकती है अगर आप उसको अपने तरीके से देखना शुरू कर दें तो, क्योंकि अगर आप औरों के तरीके से दोस्तों चीज़ें देख करके बनाएंगे उससे आपको हेल्प ज़रूर मिलती है, लेकिन अल्टीमेटली और फाइनली आपको चीज़ें अटैम्प्ट वैसे करनी पड़ती है जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो। तो तरीके आप दोस्तों बहुत सारे देखें, देन अपना जो है फाइनलाइज करें कि आप किस वे में जो है बेटर ड्राइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है हल्की हल्की मार्किंग जो फैदर्स की है, जो छोटे छोटे बाल होते हैं जिनकी वजह से एक डेंस एक डेप्थ लुक आता है हमारे बर्ड में, तो वो चीज़ हम यहाँ पर दे रहे हैं। एंड अब धीरे धीरे बस इसमें जो चीज़ें हमारी रहेंगी, तो लाइन्स के थ्रू हम जो है उसको शो करते रहेंगे, शेड के थ्रू उसको शो करते रहेंगे, और कोशिश बस यही करेंगे कि देखिए अब यहाँ पर हम स्केचिंग दोस्तों कर रहे हैं। तो स्केच, जैसे कि मैंने आपसे कहा भी था पिछली वीडियो में, कि स्केच के लिए हमेशा ब्लंट पेंसिल का ही यूज़ करें। बहुत ज़्यादा शार्प पेंसिल आप जब तक ना लें जब तक आपको उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। तो ये कुछ ब्लैक स्पॉट्स जो बॉडी पर होते हैं इंडियन स्पैरो के, वो चीज़ हम यहाँ पर लगा रहे हैं दोस्तों। एंड जो उसमें मार्किंग हमारी
फैदर्स की है कि किस तरीके से हमें जो है डिवीज़न करना है, उसके लिए हम पहले यहाँ मार्किंग कर रहे हैं एंड धीरे धीरे जो उसमें लाइंस दिखाएंगे उसी फ्लो में जाते हुए, सो डैट जो पंखों वाली फील है दोस्तों वो सही तरीके से यहाँ पर आ जाए। तो पंखों के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दोस्तों लाइनिंग मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, और यही लाइनिंग है जो आपको हेल्प करेगी विंग्स को सही तरीके से बनाने में। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपना काम बढ़िया तरीके से यहाँ पर करते रहिए और देखते रहिए कि किस तरीके से हम जो है लाइनिंग बना रहे हैं, तो लाइनिंग का क्या फ़र्क हमारा जो है पड़ रहा है हमारे सब्जेक्ट पे। अब ये देखिए लाइंस बनते ही फ्लो के अकॉर्डिंग पंखों वाला जो लुक है वो यहाँ पर दोस्तों आ गया है। आई होप दोस्तों आपको जो है वीडियोज़ में जो चीज़ें मैं टेक्निक्स आपको बताता हूँ आपको अच्छी जो है लगती हों और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आता हो। तो अपना प्यार दोस्तों ऐसे ही बरकरार रखें, कमेंट के थ्रू आप मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, किस पार्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई या फिर किस तरीके से आप अपने आर्ट को इम्प्रूव करने में कोशिश कर रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन हर एक डाउट्स को दोस्तों मैं जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से शेड लगने के बाद चीज़ें चेंज जो है अपने आप हो जाती हैं, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों लाइन तो एक सिर्फ चीज़ है जिसके थ्रू आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि वो एक्चुअल में है क्या, लेकिन डेप्थ आपकी दोस्तों हमेशा वैल्यू से आती है। व्हेन यू आर इंक्रीजिंग योर लाइट शेड, डार्क शेड, मीडियम शेड, सो इट मीन्स हाउ यू आर बैलेंसिंग योर शेड्स, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दोस्तों। सो इट मीन्स आपको अपनी शेड्स को बैलेंस करना सीखना होगा, वैल्यू को बैलेंस करना होगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे तरीके से डेप्थ में जो है शो कर पाएंगे। और डार्क मीडियम लाइट के बिना तो दोस्तों कोई भी शेड या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बढ़िया दिखना नामुमकिन है। सिर्फ पर्टिकुलर एक टाइप की अगर आप शेड करेंगे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्कर वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, और मैं आपके सामने एग्जांपल्स भी दोस्तों कुछ दे करके दिखाऊंगा कि जिसमें हम लाइट शेड्स और डार्क शेड्स में जो है डिफरेंशिएशन करके देखेंगे कि कौन सी शेड्स ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और कौन सी जो है ज़्यादा अच्छी लगती हैं देखने में। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से फैदर का जो लुक है, जो छोटे छोटे बाल जो है हमारे बर्ड्स के होते हैं उनको मैं किस तरीके से यहाँ अटैम्प्ट कर रहा हूँ, एंड बस इसी सब से तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर चीज़ों को अटैम्प्ट करते रहेंगे, सो हमें जो है अपना रिजल्ट बढ़िया तरीके से मिलता रहेगा। एंड ये देखिए धीरे धीरे चीज़ों में हम जितना ज़्यादा चेंज, कंट्रास्ट दोस्तों एक ऐसी चीज़ है ना कि आप अपने जो फ़ोन को भी अच्छे तरीके से अगर आप देखें दोस्तों, तो अगर क्लैरिटी अच्छी ना हो तो मज़ा नहीं आता है दोस्तों चीज़ों को देखने में भी ना। वाइब्रेंट जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं ह्यूमन लाइफ को, क्योंकि जितनी ज़्यादा रंग बिरंगे और बढ़िया चीज़ें डिस्प्ले अच्छा होता है तो वो चीज़ आपको भी अट्रैक्ट करता है। वही चीज़ हमारे ब्लैक एंड वाइट के साथ भी है कि ब्लैक एंड वाइट में कंट्रास्ट नाम की चीज़ ही आपको अट्रैक्ट और आपको फील कराती है कि वो चीज़ रियलिटी में ज़िंदा है और किस तरीके से वो जो है एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट का दोस्तों सारा गेम किस तरीके से आपकी शेडिंग्स मर्ज हो रही हैं इसी चीज़ के ऊपर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर अपनी शेड्स को जो है अटैम्प्ट किया है, और लकड़ी वाला जो फील है वो यहाँ पर दोस्तों मैं जो है देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से वुड इफेक्ट।
तो इस तरीके से दोस्तों अपनी बर्ड में जो है हल्की फुल्की डिटेल्स कर लेने के बाद आई होप दोस्तों बर्ड का ऊपर का गेटअप आपको अच्छा लग रहा होगा। कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा अगर आपको बर्ड अच्छी लगी है तो। एंड अब ये जो ट्री का टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं दोस्तों रफ़ पेंसिल से कितना बढ़िया लुक जो है अपने आप में एक आ रहा है। मतलब शेडिंग्स आप देख सकते हैं अपने आप ही ऑटोमेटिक, अगर आप पेंसिल को थोड़ा सा लिटा करके बैंड करके चलाएंगे तो अपने आप वो एक रफ़ शेड आपको देगा और उस रफ़ शेड का ही जो है आपको इफेक्ट चाहिए। यानी कि ये भी ज़रूरी है पहचानना कि आप जिस एरिया को कर रहे हैं, लाइक वाटर को कर रहे हैं, स्टोन को कर रहे हैं, वुड को कर रहे हैं, तो किस तरीके का टेक्सचर जो है आपको चाहिए या क्या वो आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यही चीज़ आपकी हेल्प करता है आपकी कॉम्पोजिशन में उस ऑब्जेक्ट को वैसा फील कराने में जैसा कि आपको वो चाहिए। तो ये देखिए नीचे की तरफ डार्क शेड करके उसमें से कुछ ये लाइनें निकाल लेने के बाद जो एक फील है टेक्सचर ट्री का वो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा। तो हर एक चीज़ का दोस्तों मेरा जो है मकसद यही है कि मैं आप लोगों के साथ बढ़िया तरीके से शेयर कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करके आपको जो है आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करवा सकूँ। तो अच्छी बात है दोस्तों कि आप लोग भी अपने कमेंट करके जो है प्यार जता रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं कि कैसी आपको लग रही है। रियली दोस्तों ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों से कनेक्ट होने में, आप लोगों से जुड़ने में, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाने में, ये समझ पाने में कि आपको क्या चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है, क्या चीज़ें नहीं आ रही है। अब डिफरेंट जैसे अगर मैं यहाँ बर्ड दोस्तों ट्राई करनी है तो देखिए मैंने सर्कुलर मोशन में फेस को इस तरीके से बनाया है लाइक फ्लाइंग बर्ड है, तो ये तो चलो बैठी हुई चिड़िया थी, अगर हमें जो है उड़ती हुई चिड़िया बनानी है तो पंखों का जो रोल रहेगा खुलने का, कि पंख अगर नीचे की तरफ है तो कैसे बनेगी चिड़िया, पंख अगर ऊपर की तरफ है तो बॉडी को कैसे बनाना चाहिए। तो यहाँ देखिए वही गेटअप मैं जो है देने की कोशिश दोस्तों कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमने जो है पहले ये देखिए सर्कुलर फेस बना लेने के बाद उसके अंदर जो आइज़ का फेस फीचर रहेंगे और आसपास की जो शेड रहेगी वो हम जो है पहले दे रहे हैं, देन उसके बाद नीचे की बॉडी को भी आराम आराम से उसी तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आपको ह्यूमन फिगर्स में समझाता हूँ कि आपको जब चीज़ें अटैम्प्ट करनी चाहिए तो एक गेटअप यानी कि आपके दिमाग में ये आइडिया लग जाना चाहिए कि किस तरीके का कितना मोटापा उसका लेना है, कितना पतला उसको जो है रखना है, वो आपको हेल्प करता है। देखिए इनिशियली तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको समझने में दिक्कत आए, बट लेकिन फाइनली जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, आपको लगने लगेगा कि हाँ ये सच में एक बढ़िया एफर्ट है और सच में एक अच्छा तरीका है चीज़ों को अटैम्प्ट करने का। और वही चीज़ दोस्तों एंट्रेंस में एग्ज़ाम में जब आप फिगर्स ट्राई करते हैं तब भी यही टेक्निक है, आइडिया ज़रूर लें देन उसके बाद काम करें। तो अब इस तरीके से दोस्तों अपना सर वाला हिस्सा बन चुका है, तो अब जो बॉडी वाला एरिया में बनाना है वो उसको जो है यहाँ पर हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो बॉडी को लाइन की टर्म्स में हमने इस तरीके से कवर अप कर दिया है, ऊपर से हमने जो है पेंसिल को, अब देखिए पेंसिल जब चलती है बॉडी को बनाने के लिए तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक कंटिन्यूएशन पेंसिल का बना रहना बहुत ज़रूरी है कि आगे पीछे आपके पेंसिल का फ्लो बना रहे, आपके दिमाग में स्क्रिबलिंग लाइंस चलती रहें बढ़िया तरीके से कि आप उसको फील कर पाएँ, सबसे ज़रूरी चीज़ ड्रॉ करते वक्त। और ये देखिए पंखों का बहाव हमने किस तरीके से दोस्तों नीचे की तरफ ले आए हैं जिससे कि ये फील हो रहा है कि पंख जो है चिड़िया ने नीचे की तरफ कर रहे हैं। एंड स्क्रबलिंग ही दोस्तों बेस्ट तरीका है चीज़ों को अटैम्प्ट करने का, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो, क्योंकि जब आप स्क्रबल करते हैं पेन उठाते नहीं हैं, पेंसिल उठाते नहीं हैं और कंटिन्यूसली अपनी शीट पे उसको घुमाते रहते हैं, आपके दिमाग में एक्यूरेशन की चीज़ें चलती रहती हैं कि मैं इस लाइन को या फिर अगली लाइन को और ज़्यादा करेक्ट करके बिल्कुल सही चीज़ बना लूँगा। क्योंकि एकदम तो दोस्तों जुए वाली बात होती है, सट्टे वाली बात, कि आपने एक बार में जो तरीका लगाया वो सही बैठ गया, वो बात अलग है, वो प्रोफेशनल चीज़ों में है कि आप जब प्रैक्टिस बेसिक की करते करते बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं देन तब आप डायरेक्ट एक बार में सीधा स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व लाइन बना सकते हैं जो आपको चाहिए। बट अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, बिगिनर्स हैं, तो आप चीज़ों को राउंड राउंड करिए, चीज़ों को बार बार रिपीट करिए, रोटेशन बना के रखिए, उससे ही आपकी हेल्प मिलेगी आपको चीज़ों को अटैम्प्ट करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शेड दोस्तों हमने चिड़िया के हेड पे भी कर दिया है। तो आई होप आपको दोस्तों मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा देखने में। और वीडियो दोस्तों देखिए टाइम लिमिट के साथ इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि रियल टाइम वीडियो में आपको अच्छे तरीके से चीज़ें बहुत बेहतर बढ़िया तरीके से समझ में आए। एंड अब धीरे धीरे जो है चीज़ें इसी तरीके से दोस्तों चलती रहेंगी, हर एक टॉपिक पर मैं अपने पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों आपकी हेल्प करने की। तो इस तरीके से देखिए हम इसको बाकी जो एरिया है वो भी दोस्तों कवर अप करते रहेंगे और बढ़िया तरीके से अटैम्प्ट करते रहेंगे। अपना प्यार दोस्तों आप बनाकर रखिए
और इसी तरीके से जो है कमेंट करके और अपनी चीज़ें जो है बताते रहिए। तो जैसे कि दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि पंखों का लुक किस तरीके से यहाँ पर जो है आ चुका है। तो लाइंस बनते कितना एकदम मज़ेदार जो है लुक दोस्तों वो आ जाता है। अब उसमें जो है बस कंट्रास्ट बढ़ा के आपको जो है चीज़ों को बैलेंस जो है करना होगा, यानी कि लाइन ने अपने काम तो यहाँ पर कर दिया है कि लाइन बनते ही जो है चीज़ें गेटअप वाइज आपको समझ में आने लगी है। बट अब उसमें जो डेप्थ है, जो चीज़ें बढ़िया लगेंगी जिस वजह से, वो हमें अब जो है यहाँ पर करना दोस्तों जो है शुरू करना होगा। लाइक के शेड करके जो है चीज़ों को आप जितना बढ़िया तरीके से फील करा सकते हैं तो वो आप कराइए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वन साइड हम शेड कर रहे हैं तो कितना जो है अलग चेंज जो है एकदम पंखों के गेटअप में आ रहा है। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों जो समझने वाली है, जो फील कराती हैं आपको और जो आपको दिमाग में ये समझाती हैं कि हाँ कुछ चीज़ें हमें ऐसी ऐड करनी चाहिए अपनी कंपोजिशन में जिसकी वजह से गेटअप अच्छा है। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो मैं आपको साफ तौर पे कहूँ कि कॉन्फिडेंटली लाइन लगाइए, डरिए कभी मत। जितना ज़्यादा आप डरेंगे काम आपसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको से दोस्तों पहले ही बता दूँ। जो भी करें दिल से करें, बिल्कुल बिंदास होकर करें, उतना ही बढ़िया काम आपका जो है निकलेगा। तो जैसे हमने ये बर्ड जो है बनाई है, वैसे ही दोस्तों इसमें और भी बर्ड के जो टेक्निक्स हैं और भी जो मैं हमारी बर्ड्स हैं उनको।
हेल्प मिल रही होगी कि किस तरीके से आप अपने स्केचेस को और ज़्यादा जो है बढ़िया तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।